हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था पता है आप सबको? हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में? बारहसड़ी, आपका थर्ड चैप्टर, ये हमने स्टार्ट किया था ना। क ख ग घ और च, च तक की बारहसड़ी हमने लिखना और पढ़ना सीखा था। तो आज के लेक्चर में हम छ से सीखेंगे। ओके, आपने रिवीजन कर लिया होगा, किया है ना आपने रिवीजन? होमवर्क भी कर लिया होगा, ठीक है? होमवर्क करोगे तो ही आएगा, वरना आएगा नहीं आप सबको। चलिए, तो आज हम छ से फिर से स्टार्ट करते हैं आगे की बारहसड़ी। ओके, चलिए पेज नंबर 13 पेज नंबर के ऊपर बारहसड़ी दी गई है आपको। चलिए छ से सबसे पहले यहाँ पर आपको छ लिखा गया है, इसको क्या बोलते हैं? छ। फिर छा, छी, छी। अब क्या आएगा? छू। इस प्रकार से, फिर छू, छे, फिर आएगा छै, फिर छो, फिर छौ, अब छम, और लास्ट में छह, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आगे पेज आप टर्न करोगे तो आपको यहाँ पर यह पेज दिखाई देगा, और यहाँ पर हमें पूरी बारहसड़ी दी गई है। तो न आए तो हमें देखकर लिखना है और गलती करनी नहीं है, ठीक है? अब मैं आगे की जो बारहसड़ी है, झ ज ट ठ ड ढ हण त थ द और ध, आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगी। मैं जिस प्रकार बोलकर लिख रही हूँ उसी प्रकार से आपको लिखना भी रहेगा और पढ़ना भी रहेगा, ठीक है? चलिए अब आगे लिखते हैं। ज जा जी जी, फिर क्या आएगा? जू जू, जे जे, जो जो, जम और जह, ठीक है? चलिए अब ज ज जा जी जी, अब जू, यह रस्वा वाड़ू। हम आप बोलते हैं ना हम सब गुजराती में, क्या बोलते हैं हम गुजराती में? झ झा जी, रस्वा वाड़ी जी, आ दीर्घा वाड़ी जी, आ रस्वा वाड़ू जू। ओके, ए रीते ज आपणे हिंदी में पण होय, बराबर? जो न समझाय तो पहला वीडियो जोवानो अने मैडम जेम बोले छे ए रीते बोलवानो प्रयत्न करवानो छे, बराबर छे? अने लखता पण शीखवानुं छे साथे साथे। चालो लखवा मांडो मारी साथे। ज़ू, फिर क्या आएगा? जे, यह लाइन में आपको इस प्रकार से लिखकर बता रही हूँ, आपको भी लिखना है इस प्रकार से बिना गलती किए। फिर अब ट टा टी टी, टू टू, टे टई, टो टो, टम और
हो, फिर ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठेई, ठो, ठौ, ठम और ठह। फिर ड, डा, डी, डी, फिर क्या आएगा, डू, डू, डे, डे, डो, डो, डम और डह। आपको एक बात अच्छी तरह से जान लेनी है, यह जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, यह दोनों, तो इसमें से हमें दोनों के बीच में लिखना है, फिर मात्रा है या रेफ है तो वह बार करना है, पर शब्द जो है, जो व्यंजन है, वह ब्लू लाइन के बीच में आना चाहिए। दोनों लाइन को टच करना है, टच कर कर लिखना है, पर बाहर जाना नहीं चाहिए, अंदर ही लिखना है दोनों के, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आगे की जो बारकसड़ी है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, और आपको क्या करना है, होमवर्क में लिखना रहेगा। चलिए मेरे साथ आपको भी बोलना है, ध, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढे, ढो, ढो, ढम और ढह, हण, हणा, हणी, हणी, हणु, हणु, हणे, हणे, हणो, हणो, हणम अने हणह। फिर आगे त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तई, तो, तौ, तम और तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थई, थो, थौ, थम और थह, द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दई, दो, दौ, दम और दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धै, धो, धौ, धम और दह। तो आज के वीडियो में हमें इतना ही होमवर्क करना है, ध तक हमें लिखना है, पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट पेज पर 9 से स्व तक की जो बारकसड़ी दी गई है वह हम कंप्लीट करेंगे, फिर हमें स्वाध्याय भी कंप्लीट करना है, यह है ना स्वाध्याय। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करना है, यह फेज कंप्लीट होना चाहिए। चलिए, बाय।